राहुल गांधी ने एक बयान दिया था 2019 में लोकसभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर, जिस पर आज उन्हें दोषी ठहराया गया। कोर्ट में बकायदा उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन अब वार और पलटवार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्हें पता था ऐसा होगा, क्योंकि जज भी अब यही अपॉइंट कर रहे हैं, यही अपने तरीके से रख रहे हैं। कई आरोप, गंभीर गंभीर आरोप बीजेपी पर लगते नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी भी अब बचाव में उतरती नजर आई। सुबह से सूरत कोर्ट में गहमा गहमी थी। मानहानि केस में राहुल गांधी पर फैसला आना था। कोर्ट परिसर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा था, जमकर नारेबाजी हो रही थी। सुबह के करीब 11 बज रहे होंगे जब राहुल गांधी पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ अदालत में दाखिल हुए। राहुल के पहुंचने के 2 मिनट के भीतर अदालत ने उन्हें दोषी करार दे दिया। जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट में जज साहब ने डिक्लेयर कर दिया डायस पर से कि मैं आपको 499 और 500 में आपको गुनहगार दायर करता हूँ, मतलब ही हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी। जब कोर्ट ने यह तय कर दिया कि राहुल गुनहगार हैं, तब सजा को लेकर दोनों ओर से बहस शुरू हुई। राहुल गांधी को कटघरे में बुलाया गया। अदालत ने पूछा कि आपको क्या कहना है, तब राहुल गांधी ने कहा, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, नहीं हुआ है तो हो सके उतनी कम सजा सुनाई जाए। तो राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट और वो संसद में और राज्यसभा में इस देश के कानून बनते हैं, तो अगर जो लोग कानून बनाते हैं वो लोग कानून तोड़ेंगे तो देश में समाज में इसका क्या मैसेज जाएगा। बाद में राहुल गांधी ने यह बताया कि पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से बोला। राहुल के बोलने के बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ी। कोर्ट में मौजूद राहुल गांधी के वकील ने कहा, उन्हें दया नहीं चाहिए, वो माफी नहीं मांगेंगे। वकील साहब की ओर से दलील हुई, उसमें यह बताया गया कि भाई हम कोर्ट से कोई माफी नहीं मांगते, हमें कोई दया नहीं चाहिए। लेकिन जो अच्छा, राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। जी, स्पष्ट शब्द में कहा गया, हमें दया नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने माफी मांगने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। माफी मांगने का सवाल नहीं था, कन्विक्शन हो ही गया है तो माफी मांगने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। माफी मांगने से सजा कम नहीं हो सकती, माफी मांगने कोई मेरे हिसाब से प्रश्न हुआ नहीं था। सजा को लेकर बहस आगे बढ़ी तो राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल ने सियासी नेता के हैसियत से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सांसद कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा, ये उनकी पहली गलती है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी, फिर राहुल के वकील ने कहा कि उनके बयान से किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है, तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल गांधी को सख्त सजा मिले। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील मान ली और राहुल को 2 साल की सजा सुना दी। आर्गुमेंट में ऐसा कहा गया कि राहुल जी ने फर्स्ट ऑफेंस है, पॉलिटिकल लीडर है, उसने इस डिस्चार्ज इज ड्यूटी, उसके अलावा कुछ नहीं किया। फरियादी के वकील ने बोला कि राहुल जी को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया था कि माफी मांगी थी कि आपका कंडक्ट भविष्य में ठीक रहे। वो बात बताते हुए उसने मैक्सिमम सेंटेंस के लिए फरियादी के वकील ने दलील की। लगता है अभी जजमेंट हाथ में नहीं आया कि उनकी दलील कोर्ट ने मान ली है और 2 साल की सजा सुनाई दी है। सजा सुनने के बाद राहुल गांधी कोर्ट के बाहर आए और लोगों का अभिवादन करते हुए गाड़ी में बैठ गए। राहुल गांधी ने जिस तरीके का ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं और जिस तरीके से कांग्रेसी नेता, सुबह हमारी कई कांग्रेसी नेताओं से भी बातचीत हुई, तो कांग्रेसी नेताओं का ये कहना था कि सत्यमेव जयते, अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। तो महात्मा गांधी को कोट करते हुए लिखा है। आप देखें, राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और किस तरीके से एक पूरा जो अपना अहिंसा के प्रति और सत्य के प्रति अपनी जो एक छवि खड़ी करना चाहते हैं, और उसी में आज कोर्ट का ये फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी खुद को लेकर भी, कई चीजों को लेकर भी ये इसे हम ट्वीट कह सकते हैं। अब सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद यह तय है कि सियासत तेज होगी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी। सूरत से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।